आज हम आपको दुनिया की नए 7 अजूबे बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये 7 अजूबे अवामी राय की वजह से न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जगह बना पाए। जिन वजूहात की बिना पर ये प्लेसेस वंडर्स कहलाते हैं वो वाकई हैरतजदा कर देने वाली है। तो नाज़रीन, क्या आप भी वो शख्स हैं जो इन 7 अजूबों को अपनी लिस्ट में जगह देंगे? तो नाज़रीन, फिर चलते हैं इन वजूहात की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहला नंबर है ताजमहल का। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत खजानों से माला माल थी। मुमताज बादशाह शाहजहां की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल असल में बादशाह ने मलका मुमताज की याद में तामीर करवाया। ताजमहल मोहब्बत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। ताजमहल मलका मुमताज का मज़ार भी है। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन मलका मुमताज के मरने के बाद 1632 में स्टार्ट की गई और 1653 में ये मुकम्मल हुआ। तो नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि ताजमहल की तमीर में तकरीबन 3,20,00,000 रुपए तक की लागत आई और इसकी तमीर के बाद मुगलिया सल्तनत तकरीबन गंगली हो चुकी थी। इसकी तमीर के फौरन बाद यही वजूहात की बिना पर बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बादशाह को तख्त से उतार दिया और खुद तख्त पर काबज हो गया और शाहजहां को कैद में डाल दिया, जहाँ से वो एक खिड़की से ताजमहल को देख सकता था। ताजमहल की तमीर इस वक्त के बेहतरीन कारीगरों से करवाई गई और महल की तमीर के बाद नाज़रीन, बादशाह शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसी इमारत न बना सके। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग इस मोहब्बत की यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर है पीसा का टेरा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाकया है। ये मीनार अपनी तमीर के आगाज में ही झुकना शुरू हो गया था। नाज़रीन, इस मीनार की हाइट 185 फीट है और इसकी 296 स्टेयर्स हैं। इस मीनार को 14 अगस्त 1173 में एक जंग में कामयाबी के बाद यादगार के तौर पर तामीर किया गया। पहले मरले में इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में दोबारा इसकी तामीर का आगाज हुआ और दो नई मंजिलों में इजाफा हुआ, क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफा आरसी तौर पर तीसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तमीर का काम एक दफा फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी सातवीं और आखिरी मंजिल तामीर हुई। 1372 में इसका घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब की गईं। नाज़रीन, इनमें से हर घंटी म्यूसिकी के 7 अहम सुरों में से एक डिफरेंट सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। नाज़रीन, 1990 से लेकर 2001 तक इसको सीधा करने का काम किया गया, जो कि मीनार 5.5 डिग्री तक झुका हुआ था, काम होकर 3.9 डिग्री रह गया। अजीम दीवारें चीन। चीन के तारीखी शिमाली किनारों पर वाकया है। ये मशरक से मगरब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह तामीर की गई। इसका मकसद शिमाल की तरफ से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। नाज़रीन, ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार तामीर की। बाद में चीनी शहनशाह कुंशी होंग ने 2006 से 2020 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अभी तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मुरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज्यादातर मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। नाज़रीन, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फुट है और चौड़ाई 16 फुट है। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि ये दीवार चांद से नजर आती है, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इतनी लंबी दीवार इस दौर में इंसान की लगन और अनथक मेहनत को बयान करने के लिए काफी है। पेट्रा। जनूबी लुबनान में वाकया ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए गए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये जगह बनाई गई वो गुलाबी रंग के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में बनातीनी लोगों ने बनाई थी। बनातीनी लोग सोतिया, लुबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लुबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाती मुकाम भी है। ये जगह काफी अरसे तक दुनिया की नजरों से ओझल रही। आखिरकार 1812 में एक स्विस आसार कदीमा के माहर जोहान लुडविक ने इसे दरियाफ्त कर लिया। तो नाज़रीन, अब बारी आती है कोलोसियम की। कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाकया है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये इमारत मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनाई गई। नाज़रीन, माहरीन का अंदाजा है इसमें कमोबेश 50 से 80 हजार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशों के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में अभी भी तबाह हाल खड़ी है। ये इमारत जलसनों और पत्थर चोरों की वजह से तबाह हो गई। नाज़रीन, कोलोसियम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियासी और तारीखी मरकज है। 610 फुट लंबी और 515 फुट चौड़ी कोलोसियम की इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है।
इसकी बिरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं चिचन इट्सा की। नाज़रीन, चिचन इट्सा नामी ये शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे यक्तान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असली हालत में मौजूद हैं, मगर कई जलजलों की वजह से तबाह हो गयी। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचन इट्सा नाम दरअसल माया जुबान का लफ्ज है, जिसके मायने हैं इट्सा के कुएं के मुंह पर। माया जुबान में इट्सा पानी के जादूगर को कहा जाता है। ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियां, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मेक्सिको का रुख करते हैं। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं माचू पिचू की। माचू पिचू, जिसे उर्फ़े आम में पनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, माचू पिचू पेरू के सूबे कस्को में वाक़िया है। ये सदा सुंदर से 7,970 फुट बुलंद है। ये शहर अनका राजा ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया था। माहरीन, माचू पिचू अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर एक सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों के खिलाफ जंग की। इसके तकरीबन 5 सदियां तक तारीख के उराक में ये शहर गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैन अवी शोहरत मिली, जब एक अमेरिकन तारीखदान ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर है। शहर की ज्यादा इमारतें तबाह हो गई थीं, इसीलिए 1976 में फैसला किया गया इस शहर को असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि सियाहत से फायदा उठाया जा सके, और ये काम तहाल जारी है। नाज़रीन, यहाँ खुदाई में हजारों खोपड़ियाँ सामने आई। माहरीन का ख्याल है ये उन औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो इन लोगों ने सूरज देवता की भेंट चढ़ा दी थी। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं अपने 8वें अजूबे की। नाज़रीन, 2000 में एक स्विस फाउंडेशन ने एक कैंपेन चलाई, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों के लिए वोटिंग करवाई गई। तो नाज़रीन, तकरीबन 10 करोड़ अफराद ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें बहुत से लोगों का ख्याल था कि पायरामिड ऑफ गिज़ा को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जगह मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मसला ताहाल अपनी जगह कायम है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि पायरामिड ऑफ गिज़ा को 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।